क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो पिछले साल मार्केट में आई थी या फिर लिस्ट हुई थी, उसके बाद किस तरह का प्राइस एक्शन रहा है वो आप यहाँ पर देखेंगे। यानी इस लेवल के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी, देन उसके बाद एक अच्छा अपमूव इसने दिखाया था और उसके बाद एज ऑफ नाउ के करेक्शन में पूरा 100% का इसमें रिट्रेसमेंट हो चुका है, यानी कि जिस प्राइस के आसपास लिस्ट हुआ था वही आ गया है एज ऑफ नाउ। लेकिन अगर हम कंपनी की पहले बात करते हैं, प्राइस में तो अच्छा खासा डेप्रिशिएट हुआ है या फिर ये कहें नेगेटिव अच्छे रिटर्न्स ने दिए, कितने दिए वो भी हम देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी काफ़ी अच्छे, कंपनी फंडामेंटल में बिजनेस में वैसे कोई वीकनेस है नहीं, इसको हम पहले कवर कर चुके हैं, इसलिए उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, उन्हें आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले ये मंथली का चार्ट आपके सामने लगा, यानी हर एक कैंडल आपको वन मंथ रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। और इस मंथ की ऑल दो ये मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये जो मंथ है इस लेवल के आसपास ही अपने बॉटम के आसपास आके अब यहाँ से वापस बाउंस बैक दिखाने के लिए रेडी हो रहा है और ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आ रही है। इतना हमें समझ में आया अभी तक, वैल्यू जिसे कहते हैं वैल्यू इसमें समझ में आ रही है। दूसरे आप बात करते हैं इसके वीकली के टाइम फ्रेम में, इस वक्त वीकली का टाइम फ्रेम आपके सामने लगा हुआ है, सेम वही चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर। जब ये कुछ इस टाइम पे वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद अच्छा अपमूव आया एंड देन फाइनली जाके जब इसने यहाँ पे अपमूव लगाया, अब जो हाई लगाया था वहाँ से एक ट्रेंड लाइन के सहारे ये बिल्कुल फॉल होता रहा। और बेस कहाँ लिया इसने, बेस कहाँ बनाया, बिल्कुल अपने इसी लाइन के आसपास। और पिछले दो वीक से आप यहाँ देखेंगे कि ये इसमें अपमूव शुरू हो रहा है और कन्फर्म कब हो जाएगा, जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होना शुरू करता है तो आपको यहाँ से कन्फर्मेशन मिल जाएगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिल जाएगा या फिर ये कहें जिसे रिस्क कहेंगे, अदरवाइज यहाँ से इसमें पूरी जो पोटेंशियल है वो ये इतना पूरा दिखता है जितना ये करेक्ट हो चुका है। तो आप समझ रहे होंगे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड इश्यू जिसे हम मार्केट में RR इश्यू बोलते हैं वो कितना फेवरेबल यहाँ पर एज ऑफ नाउ देखने को मिल रहा है। तो ये एक चीज़ है, कन्फर्मेशन बहुत जल्दी हो सकता है आपके सामने ही के दो दिन में, ये वीकली के टाइम फ्रेम में हम बात कर रहे हैं। इसी चीज़ को वन डे में अगर देखें तो अब और भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर ज़रा से इसको जूम करें तो अब आप देखेंगे एक लाइन इसकी बेस जहाँ पर इसने बेस बनाया है, यहाँ आप देखेंगे कितने सारे ये डेज के हैं, हर एक कितने सारे दिन इसने यहाँ पर बिताए हुए हैं। और ऊपर से लेकर हम यहाँ से देखें यहाँ तक कितना करेक्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 46% करेक्ट हो चुका है, यानी 46 जिन लोगों ने तो नहीं लिया उन लोगों के लिए तो अच्छी बात है, ये एक अच्छी जोन पे आ चुका है। जिन लोग ऑलरेडी जो लोग ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं जिस भी लेवल पे, उन लोगों के लिए काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है डेफिनेटली, लेकिन अब वो चीज़ हो रही है। फिर बात करें एवरेजिंग की, फ्रेश बाइंग की, तो यहाँ पे वो दोनों पॉइंटर्स के लिए यहाँ पे प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहा है। तो ये वो ट्रेंड लाइन वही है जिसके हम बात करें 46 करेक्शन के बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है देन उसका रिस्क रिटेस्ट करने आएगा, यानी कि ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करता है देन ऊपर निकलता है, तो आपको काफ़ी अच्छा आपको भी आपसे देखने को मिल सकता है। इसलिए इसको आप प्राइम फोकस पर रख सकते हैं। एज ऑफ नाउ की अगर इसके प्राइस की बात करें 1600 के ऊपर जैसे ये टिकता है, यानी ट्रेंड लाइन भी वही निकल के आ रही, तो आप समझ लीजिए कि इसमें बहुत ऊपर के लेवल है, एटलीस्ट 2600 से नहीं अगर हम बात करें रफली, यस 2600 के आसपास इसका हाई था यहाँ तक। तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि ये एक दिन में इतना गिरा नहीं है तो एक हफ्ते में इतना पहुँच भी जाएगा, धीरे धीरे सही, लेकिन ये लेवल आपको आते हुए दिखेंगे। डिपेंड करता है क्या हम एज ऑफ नाउ ये फ्रेश बाइंग के लिए करंट मार्केट सिनेरियो में रेडी है, या फिर ये सेक्टर को जिसको बिलोंग करता है क्लीन साइंस है टेक्नोलॉजी है उस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। अदरवाइज मैक्सिमम चीज़ें हमने सिर्फ चार्ट में जो दिख रहा है वो कवर अप करने की कोशिश की, बाकी फंडामेंटल वाइज इसमें कोई ऐसा कोई वीकनेस है नहीं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस चार्ट को देखने के बाद, चाहे तो आप अपनी राय भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।